द लेबरनम टॉप, यही आज की पोएम है हमारी, इसके पोएट हैं टेट ह्यूग्स। ठीक है भाई, अब समझिए बात को। लेबरनम माने होता है अमलतास, टॉप माने चोटी या शिखर, सबसे ऊपर वाला भाग। लेबरनम नाम के पेड़ के सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊपर वाले शिखर पे कौन सी बात हो रही है, यही हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, जो लेबरनम अर्थात अमलतास की चोटी है अर्थात सबसे उसके ऊपरी ऊपर वाला जो भाग है, इज साइलेंट माने क्या होता है, शांत है। देखिए, क्वाइट बिल्कुल, स्टिल स्थिर है, पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग यह बिल्कुल शांत है, एकदम खामोश है। पहली लाइन समझ में आ गई। अब आगे का देखिए। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, येलो पीले रंग की, सितंबर सितंबर महीने में, सनलाइट धूप। ठीक है, माने कि दोपहर के बाद में सितंबर महीने की पीली पीली धूप इस पेड़ पर पड़ रही है, ये भी समझ में आ गया। आगे देखिए। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी जो कुछ पत्तियां हैं येलोइंग माने पीली पड़ रही हैं, उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सारे के सारे बीज हैं ना वो गिर चुके हैं। अच्छा, इसके बीजों की एक विशेषता ये होती है कि इसके बीज जहरीले होते हैं, जहरीले होने के कारण उस पर कोई जानवर अटैक नहीं करता, अतः यह पक्षियों को अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत अच्छा पेड़ होता है। तो शायद जो इस पे पक्षी अपना घोंसला बनाई है ना, वो इसी कारण से इस पेड़ को चुनी होगी। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, टिल मीन्स होता है जब तक की। अब बात समझिए, जब तक कि ये गोल्ड फिंच नहीं आई होती है तब तक वो जो पेड़ होता है ना लेबरनम का, बिल्कुल शांत रहता है, एकदम खामोश रहता है। लेकिन जब आ जाती है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब ये चिड़िया आ जाती है विद ए ट्विचिंग चियरअप, ट्विचिंग मतलब क्या होता है, एक झटके के साथ, चियरअप मीन्स चहचहाते हुए, एक झटके के साथ चहचहाते हुए आती है। कैसे आती है, ए सडननेस, अचानक आती है, ए स्टार्टलमेंट, चौंकाते हुए आते हैं। कहाँ पे, एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच माने क्या होता है, शाखा, एंड माने क्या होता है, शाखा का जहाँ अंत होता है। अब देखिए, पेड़ हो गया, इधर से चिड़िया चहचहाती हुई अचानक आई और आकर के ब्रांच एंड मतलब क्या होता है, एक शाखा के किनारे पर, ये इसकी ब्रांच हो गई मान लीजिए ऐसे, और जाकर के जहाँ ब्रांच का एंड हो रहा है, ब्रांच जहाँ समाप्त हो रही है, आकर के अचानक यहाँ पे बैठ जाती है। देन स्लीक एज लिजार्ड, देखिए स्लीक मीन्स होता है चिकना, एज की तरह से, लिजार्ड मीन्स छिपकली, छिपकली की तरह से चिकनी, एंड अलर्ट बिल्कुल चौकन्नी, एंड एब्रप्ट अप्रत्याशित। ये अप्रत्याशित क्या होता है, कोई अचानक घटने वाली घटना जिसके लिए हम तैयार ना हो उसको क्या कहा जाएगा, अप्रत्याशित या एब्रप्ट। अब देखिए इसमें क्या है, इस चिड़िया की तुलना किससे की गई है, छिपकली से। छिपकली जिस प्रकार से कैसी होती है, चिकनी होती है, चौकन्नी होती है, और अप्रत्याशित, अप्रत्याशित इसलिए कहा गया है कि दीवार पे छिपकली है किसी कीड़ों के दुखी और अचानक जाकर के उस पर उसको खा जाती है, हजम कर जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अप्रत्याशित आया है। तो बिल्कुल एक चिकनी छिपकली की तरह से चौकन्नी और अप्रत्याशित रूप से अर्थात अचानक क्या होता है, शी एंटर्स द थिकनेस, शी माने वह मीन्स चिड़िया जो गोल्डफिंच है, एंटर्स द थिकनेस, वह घने में प्रवेश करती है। अब थिकनेस मतलब घना का क्या मतलब होता है, देखिए इसे, ये हो गया वो लेबरनम अमलतास, और इसमें क्या हुआ था, चिड़िया बाहर से आकर के किनारे इसके ब्रांच एंड पे बैठी थी, इसके बाद वह पेड़ के घने भाग में चली जाती है, समझ रहे, और घने भाग में क्या होता है, उसका घोंसला होता है, घोंसले में बच्चे होते हैं, बच्चे चू चू करते हैं। ठीक है, तो घोंसले में इसके बच्चे हैं। अब देखिए होता क्या क्या है इसके बाद, सी एंटर्स द थिकनेस, वह पेड़ के घने भाग में प्रवेश कर गई, मतलब यहाँ जो पत्तियों वाला भाग है पेड़ का घना भाग, ठीक है, किनारे से वहाँ पर चली गई, और क्या हुआ तब, एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और तब एक मशीन चालू हो जाती है, एक यंत्र शुरू हो जाता है। मशीन कौन से चालू हुई, किस प्रकार, जिस प्रकार से क्या होता है, मशीन चालू होती है तो उसमें दुनिया भर की आवाज़ें आने लगती हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से जब ये होता है, देखिए क्या होता है, किस चीज़ की आवाज़ चालू होती है, यहाँ पर मशीन के शुरू होने पर कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं, ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मतलब होता है चहचहाहट, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, एंड ए ट्रेमर, और क्या होता है, तेज कंपन ऑफ विंग्स,
ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब होता है पंखों का तेज कंपन। चिड़िया पहुंची यहाँ पर, इसके अपने पंख फड़फड़ाते होंगे। बच्चे जब घोंसले में से बाहर निकलते हैं, क्योंकि चिड़िया जब बाहर से आती है तो कुछ दाना लाती है, दाना बच्चों के मुंह में डाल देती है, बच्चे चू चू करते हुए खा लेते हैं। और वो जो चू चू की आवाज़ आ रही है, उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है, वही कवि लिख रहे हैं कि मशीन की आवाज़ आ रही है। देखिए क्या लिख रहा है, ऑफ चिटरिंग चहचहाट की आवाज़ आ रही है, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स पंखों के तेज कंपन का आवाज़ आ रहा है, एंड ट्रिलिंग तेज स्वर में कंपन। चिड़िया और बच्चों की मिश्रित दोनों आवाज़ों तेज स्वर में कंपन हो गया, इनके पंखों की जो फड़फड़ाहट है वो क्या हो गया, ट्रेमर ऑफ विंग्स हो गया। इन सब चीज़ों की जब आवाज़ें आने लगी तो बता रहा है कि मशीन स्टार्ट्स, तब यह मशीन चालू हो जाती है, इस पेड़ में चारों तरफ आवाज़ सुनाई देने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। देखिए द होल ट्री पूरा का पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो उठता है, पूरा पेड़ पूरे पेड़ में कंपन हो जाता है, पेड़ रोमांचित हो उठता है। और क्या होता है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इस लाइन को समझिएगा, इस इट में बहुत कन्फ्यूजन है, ये इट जो आया है ना वह पेड़ के लिए आया है, ना कि चिड़िया के लिए। अब देखिए बात को, इट इज़ द इंजन, यह इंजन है ऑफ हर फैमिली, चिड़िया के परिवार का पेड़ इंजन है, चिड़िया के परिवार का यह जो पेड़ है वह इंजन है। अच्छा पेड़ इंजन हो गया तो बताइए इंजन को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, चालू होने के लिए, शुरू होने के लिए, अथवा चलने के लिए। इंजन को चालू शुरू या चलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। अब यह चिड़िया जो है ना इस पेड़ रूपी इंजन को अपने आवाज़ रूपी ईंधन देती है, ठीक है, इसको भर देती है अपने आवाज़ से, और यह पेड़ रूपी इंजन क्या होता है, रोमांचित हो जाता है, हल्ला करने लगता है शोर निकलने से, उसमें निकलने का। बात को समझिए, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह पेड़ क्या है, उसके परिवार का इंजन है। देखिए सी स्टॉक्स, चिड़िया स्टॉक्स माने ईंधन डालती है, भोजन खिलाती है, इंजन को भोजन खिलाना, अर्थात इंजन में पेड़ रूपी इंजन में ईंधन डालती है। सी स्टॉक्स इट फुल, इसको अपने ईंधन से, आवाज़ रूपी ईंधन से फुल माने भर देती है, ठीक है। चिड़िया अपने आवाज़ रूपी ईंधन से उस पेड़ रूपी इंजन को भर देती है, देन उसके बाद क्या होता है, फ्लॉर्स आउट, तब चिड़िया फुदकती है। चिड़िया क्या होती है, फुदकती, कहाँ चले जाती है, टू ए ब्रांच एंड। फिर अब देखिए चिड़िया ऐसे, हम लोग देखे थे अभी पिछली स्टेंजा में, चिड़िया यहाँ पे थी, बच्चों के पास गई थी, फिर फुदकती हुई चिड़िया ब्रांच एंड अपने इस शाखा के बाहर चली जाती है, किनारे पर जहाँ शुरू में आकर के बैठी थी, फिर आकर के ब्रांच एंड किनारे चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस, शोइंग दिखाती हुई हर अपना बार्ड धारीदार फेस चेहरा, अपने धारीदार चेहरे को दिखाती हुई, आइडेंटिटी मास्क, मास्क माने मुखौटा, आइडेंटिटी माने पहचान, चिड़िया के यहाँ पर काले रंग की पट्टी होती है, समझ रहे, जो बार्ड फेस लिख रहा है यही जो है इसका मुखौटा, यही जो धारीदार इसका मुखौटा है, यही इस चिड़िया की पहचान बन गया है, ठीक है भाई। आज दिवाली का समय है और ये पटाखे वगैरह छूट रहे हैं, तो बीच बीच में आपको आवाज़ें आती रहेंगी, ठीक है ना। आप सब लोग को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और समझे इस बात को, ठीक। अपने इस धारीदार चेहरे, अपने इस मुखौटे को दिखाते हुए चिड़िया पुनः कहाँ चली जाती है, इस शाखा के किनारे चली जाती है। देन विद ईरी, देखिए देन मीन्स तब, विद ईरी माने होता है विचित्र, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल नाजुक, विसल, विसल माने क्या होता है, सीटी, गाना सुने होंगे बजाओ में पाणी जी सीटी, वही वाली सीटी, ठीक है ना। चीयरअप माने क्या होता है, चहचहाहट। अब बात को पूरा मिला करके दिखे, विस्परिंग फुसफुसाहट, देखिए तब, विद ईरी माने विचित्र, डेलिकेट मीन्स कोमल, विसिल चीयरअप मतलब होता है सीटी जैसी चहचहाहट के साथ, विस्परिंग माने और फुसफुसाहट के साथ माने मध्यम आवाज़ में क्या होता है, सी लॉन्चेज अवे, लॉन्च मतलब होता है उड़ जाना, जैसे देखते हैं ना कभी कभी पता चला कि मिसाइल या रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, लॉन्च माने उड़ना, सी लॉन्चेज अवे, वह उड़ जाती है, कहाँ पे उड़ जाती है, टुवर्ड्स की तरफ, द इनफाइनाइट अनंत, अनंत किसको कहते हैं, आकाश को, वह तो उसके बाद क्या होता है, बड़ी कोमल आवाज़, सीटी जैसी चहचहाट और फुसफुसाहट के साथ वह उड़ जाती है, कहाँ पे उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट मतलब अनंत आकाश में उड़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है भाई, एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी,
और तब द लेबर्नम मतलब हो गया है वह अमलतास का पेड़ सबसाइड्स में रह जाता है, टू एम्प्टी माने खाली, खाली माने शांत, शांत माने खामोश, जैसे शुरू में था वैसे अंत में, बीच में आई चिड़िया, बीच में जो जो कुछ की वह सारी घटनाएं घटती हैं, फिर जिस तरह से शुरू में था चिड़िया के अभाव में पेड़, उसी तरह से अंत में भी हो जाता है। इस प्रकार से यह पोएम समाप्त हो जाती है।